गाइज हम लोग घर आ चुके हैं और मैंने मेरा टैटू बनवा लिया है जो मुझे बनवाना था। और आप सबको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और अब मिलते हैं हम लोग, वो जिसमें जला हुआ उसमें लगा सकते हैं। देखो ये क्या बोल रही है। और मेरे लिए कुछ गिफ्ट आने वाला है सरप्राइज, तो वो देखती हूँ मैं क्या लेके आए हैं। तो ये देखिए वैलेंटाइन डे ऐसा बन रहा है, खाना खा रहे हैं। और ये देखो क्या गिफ्ट दिया है मुझे। ये गिफ्ट है क्या मेरा? ये ऐसा गिफ्ट है क्या? सुनो ये गिफ्ट है क्या तोतू? हाँ ब्लैक शीप। अच्छा दिख रहा है ब्लैक बेरी टाइप। हाँ कितना प्यारा लग रहा है छोटे से। देखो नीचे पड़ जाता है थोड़ी देर बाद। ये कहाँ से लाए आप डॉगी? देखो टकरा गया। तो कितने बच्चे बन गए सब यहाँ पे। अरे 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 दूर है बेटा तेरे से। वियाना हैंड वॉश करना सब जने, फिर बाद में खिलाने के बाद। मैंने नहीं टच किया, मास्क निकाला ना पर बैग में दो। हां अरे आ मुझे गोद में उठाने। वेलकम इन मैम, इट्स यू मैम। यस इस बार ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है आपके लिए, छोटे-मोटे गिफ्ट्स हैं वैलेंटाइन डे के आपके जिम से रिलेटेड, क्योंकि अभी आप जिम को लेके बहुत ज्यादा भावुक हैं। यस तो आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। अरे तो ना चली जी। हां ए ए इतने में बाय सुंदर बताइए। ये किलो सेव का पैकेट आपके लिए जिम से रिलेटेड में वो देखा था, एक किलो सेव का पैकेट। हां तो डाइट वाले सेव में लीजिए। सेकेंड वन हैप्पी वैलेंटाइन डे। कुछ ये गिफ्ट है, कुछ चुप रहा है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। वेरी काइंड डे। नेक्स्ट वन हैप्पी वैलेंटाइन डे। लास्ट वन। अरे बाप रे फिर आप कर लो, नहीं और कर लो। हैप्पी वैलेंटाइन डे माय डार्लिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वैलेंटाइन डे। थैंक यू। ये लीजिए आपकी गिफ्ट, अब आप इसे ओपन कर करके देखिए। मैं देख लूंगी ना। ओके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ खोलने के लिए, देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आ जाओ देखो जरा क्या लेके आए हैं। ट्राई करके। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, एडिडास का स्पोर्ट्स वेयर शॉर्ट्स जो मुझे चाहिए था। ओह माय गॉड, आई लव जिम वेयर, मुझे इतना ज्यादा पसंद था, मुझे कब से चाहिए था कि न्यू क्रिएटिव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा दिमाग तो लगाया आपने वैसे, पता समर आने वाला है, हिसाब से देखा स्पोर्ट्स टी शर्ट लेके आए हैं। वाह थैंक यू बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज्यादा तो अच्छा। और ओपन करो। अरे यार ओ माय गॉड, ये अभी तो खोलते जाओ। नियॉन कलर। Oh my god, seriously. Thank you. पूरा ओपन करिए। अब आप बज गए, एक बात बता दूं मैं आपको, दिल्ली लेके जाने वाली थी इसके लिए, इसके लिए दिल्ली लेके जाने वाली थी आपको। अच्छा है ना, ओह माय गॉड, बड़ा खर्चा होता उससे पहले ही मैं बज गया। बड़ा खर्चा होता दिल्ली जाने का, आने जाने वाली थी कि मेरे को स्पोर्ट्स वेयर लेना ही थे और मैंने सोचा कि क्यों ना वहां।
इसलिए गाइस सवाल सवाल कर रहा हूँ आपकी कलर चॉइस तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। मैं गिफ्ट देना इशू मैम को देता रहता हूँ, तो मैं ये नेक्स्ट टाइम क्या फिर से पन्निया ढूंढू के पैक कैसे करूँ, रैप कैसे करूँ, तो मैं इसलिए संभाल के रखूँ सारी चीजें। अच्छा 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 हाँ, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। अभी तो सोना तो मेरी हेल्प करा दी, तो जल्दी जल्दी हो गया। ब्लैक अब आप है ना एंड में बताना कि आपको सारे स्पोर्ट्स वेयर आपके कैसे लगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपसे। अरे तो हमको भी तो खुश होना है, इसलिए ना आप चेंज कर करके दिखाइए ताकि फिटिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चॉइस कैसी है? बहुत अच्छी है। अब मैं एक तो और गाइस एक एक करके वेयर करके आ रही हूँ, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना की आपके जीजू कैसी चॉइस लाए, कैसा कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है, सारी चीजें कलर चॉइस भी मेरे ऊपर। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, मैं आती हूं चेंज करके। एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं क्योंकि मुझे है ना फिर से रिटर्न ना जाना पड़े, ताकि वैसे तो गेट गाइस मैं आने के लिए रेडी हूं। आ जाइए जंटन, कैसा लग रहा है? सुंदर जी, टर्न वेरी गुड। चलो साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बहुत अच्छा आया, फिटिंग भी बहुत अच्छी और मुझे ऐसा बहुत ही कंफर्टेबल है। सीरियसली मतलब प्रॉपर बैठ के मैं स्पॉट भी लगा सकती हूँ। और सबसे सो गाइस सबसे फर्स्ट आउटफिट मैंने पहन लिया, ये आप देख सकते हो, और कमेंट में बताना कैसा लग रहा है आपको। कमेंट जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी। सबसे फर्स्ट ये ना मेरा, अब सेकंड में पहन के आती हूँ। अरे मुझे चेंज करने में दिक्कत आती है, मींस के वापस कौन रिटर्न करने जाए, कौन दुकान वालों से बोले वापस से भैया प्लीज वापस। चलो गाइस आ जाओ। ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है? सुंदर। कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये है मेरा सेकंड वाला आउटफिट, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, इसके फैब्रिक भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब मुझे सबसे अच्छा ये लगा, आप मेरे समर के हिसाब से लाए कि मैं समर अभी गर्मियां आने वाली है उसके हिसाब से बहुत ही प्यारे स्पोर्ट्स वेयर है ये। अब मैं लेके जा रही हूँ दिस वन। ओके प्रो कंप्लीट। ओके कितने देर? अरे तो मेरे को है ना चेंज करने नहीं जाना वापस शॉप पे, अगर छोटा या बड़ा आ जाएगा तो आप किसी को भी दे देना, अपन दूसरा ले लेंगे। क्यों? हाँ साइजेस तो वैसे सेम ही लेकर आया हूँ मैं, बट वो फिटिंग फर्म का अंतर रहता ना, एक ही नंबर की दोनों चीज पहनो तो अलग अलग ही फिटिंग आती है। ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कैसा लग रहा है सनम? बहुत सुंदर, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, फिटिंग एक नंबर। टैग निकाल लेते हैं उसका, टैग अभी मैं जब पहनूंगी तब निकालूंगी। कैसा लगा? बढ़िया है। कैसा लगा सर? बहुत सुंदर, कलर वालर भी बहुत सुंदर है। देखो कैसा लग रहा है? एक नंबर अच्छा लग रहा है। रूम को भी दिखा देता हूं मैं। मुझे तो अभी तक जो पहने मुझे सबसे ज्यादा ये वाला पसंद आया। अब सेकेंड वन कौन सा हो गया? थर्ड हो गया ना, ये थर्ड है ना, थर्ड के बाद अब मैं फोर्थ नंबर का पहनने वाली हूँ। ये स्कूटर लेकर आया ना आपके लिए, आपको पसंद था ना स्कूटर, जल्दी अभी आप खेलो ना इससे, चला कर दिखाओ मुझे वहां तक कैसे चलाते सर। ये स्कूटर तो बिहाना को कल ही मिल गया था एडवांस में। चलो अब ये पहन के आ दे। ओके स्लिम ट्रिम, अब जिम जाने की जरूरत नहीं लग रही मेरे को, ऐसा लग रहा है इसमें। स्लिम ट्रिम तो लग रही है। हां ज्यादा जिम हो गए तुम लोगों का? नहीं नहीं सही में बोल रही हूं, सही में खुद भी आज मिरर में देखा होगा तो लगा होगा कुछ नहीं, थोड़ा सा टम्मी मुझे ये कम करना है, वो हो जाएगा। यहां पे चाहिए छोटे-छोटे वाले एब्स। अच्छा कैसा लग रहा है? एक नंबर लग रहे हैं ये वाला भी।
एक नंबर लग रहे हैं। जरूर बताना आप लोगों को सबसे ज्यादा कौन सा वाला पसंद आया, कौन से नंबर का। इधर निकल 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 निकल। ये आपके हाथ पे क्या लग रहा है, ब्लैक ब्लैक? अच्छा ये टैटू करवाया है, टैटू करवाया आपने? गाइस ये मैं पहन के आने वाली हूँ लास्ट, इसी के ऊपर मैं ये ट्राई कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू गाइस। मुझे स्पेशली शॉर्ट्स चाहिए था, ये एडिडास का। मैं एडिडास के शोरूम में देख के आई थी, मुझे शॉर्ट्स बहुत पसंद आया था क्योंकि मैं इनसे बोलती थी जब आप लेग्स लगाते हो शॉर्ट्स पहन के लगाते हो, मुझे भी अब मेरे थाइस पहले से बेटर हो चुके तो मुझे भी लेग्स लगाने। तो देखो मेरे लिए फाइनली ये वाला शॉर्ट्स पसंद आ गया मुझे, और इसके ऊपर ये सो गाइस ये देखो अब मैं पहन के आने वाली हूँ, इसके बाद का एक डन खत्म। सबसे लास्ट 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 ये देखिए कैसा लग रहा है, ब्यूटीफुल। ये कलर भी अच्छा लग रहा है। सो गाइस आप लोगों को कैसे लगे आउटफिट्स मेरे, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, कल से रोज नए नए कपड़े पहन के जिम जाऊंगी। अब जब आप जिम के लिए सीरियस हो गए फिटनेस को लेके, इसलिए मैंने कहा वैलेंटाइन डे गिफ्ट इन्होंने सोचा कि यही देना चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा भी। अब हर बार तो आपको वही सरप्राइजेस मिलते हैं, कहीं टेडी बेयर हार्ट शेप वाला और कुछ बोले तो चॉकलेट्स वगैरह, बट इस टाइम थोड़ा ये सोचा है क्योंकि इस बार मैं जिम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गई हूँ, तो मैंने आपके लिए बहुत सारे आगे 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 सरप्राइज आने वाले, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने फिटनेस को लेकर ब्लॉग्स बनाने वाली हूँ और मैं बहुत जल्दी फिटनेस ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन क्लास लेके आऊंगी फिटनेस की। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो मुझे नीचे कांटेक्ट करें, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेने वाली हूँ और बहुत जल्दी आपके लिए और भी सरप्राइजेज है वो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। हाँ, बताती जाऊंगी। और किसी को भी अगर जल्दी से जल्दी फैट लॉस करना है तो यीशु मैम आपको मैं आपको गाइड करूंगी, सिर्फ आपको मुझे फॉलो करना है और डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते कोई कमेंट में ना भूले, और मैं किस रिलेटेड और व्लॉग बनाऊं वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इस तरीके से मेरा निकला है वैलेंटाइन डे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सिंपल सोवर एंड बहुत ही ज्यादा हैप्पी 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 वाला। जरूरी नहीं कि हर बार कुछ तामझाम करो तो ही वैलेंटाइन डे होता है, हम लोग ऐसे भी खुशी खुशी वैलेंटाइन बना सकते हैं, तो उसके लिए थैंक यू वेरी 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 मच जो आपने मुझे इतना खुश कर दिया, उसके लिए मैं आपके लिए इस बार कोई गिफ्ट नहीं ला पाई। बाकी मैंने एक चीज जरूर देखी है, वो मैंने सोचा आपके बर्थडे पे जरूर ला के दूंगी। इनको ये बहुत पसंद था, आप देखिए क्लोज दिखाई। यस मैंने देखने भी नहीं दिया कि क्या लिखा, क्योंकि ये टैटू सीरियसली बताऊं तो इन्होंने ही मुझे परमिशन दी, मुझे कब से बनवाना था टैटू, मेरा मन था तो इसलिए इन्होंने बोला ठीक है आप बनवा लीजिए। और आप बताइए गाइस कि कहां कुछ प्रॉब्लम है, बट मेरे हिसाब से तो सही है ना, सही बना ना। ये कोई सरप्राइज वरप्राइज नहीं था गाइस, ये आई मीन मेरा मन था बहुत टैटू बनवाने का ये वाला, तो इसलिए मैंने ही बनवाया है। थैंक यू इसके लिए भी, थैंक यू आपने मुझे परमिशन दी कि टैटू बनवाने की है। लिप्स में बयाना लिख दिया उसने, लिखा सकता है वैसे, कैसे गौर से देखो उसको, ऐसा लग रहा है ना अल्फाबेटिकल लिखा हो तो BIH। हाँ यार ये भी लिखवा सकते हैं, दिमाग बाद में, चलो ठीक है कोई नहीं। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों का वैलेंटाइन डे कैसा गया, हमारा तो बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही हैप्पी हैप्पी वाला। अरे टैग पे राइट तो लिखा ना एक बार जशा गिफ्ट में, ये सब चीजें नहीं देखी जाती क्यों, ऐसा क्या? सो गाइस तब उससे तो पूछ लो कितना खर्चा हुआ, अब रहने दीजिए रहने दीजिए, ये तो टोटल खर्चा सुन के है ना पतली हो जाऊंगी, जिनका डाइट वाइट से रिलेटेड जो भी आप सामान लेकर आए उनको कौन खाएगा, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, प्रोटीन बार हो गए, आपके ब्लूबेरीज के पैकेट हो गए, आपके ब्राउन राइस हो गए, और भी जितनी सारे वेजिटेबल्स लेकर आया, ब्रोकली वगैरह। देखो फिटनेस वालों का तो ऐसा ही रहा आज का वैलेंटाइन डे, फिटनेस से रिलेटेड ही वैलेंटाइन रहा हमारा तो। यस गाइस अभी मैं क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस हो गई ना जिम को लेके, इसलिए ये इतना किया है इन्होंने, नहीं तो नहीं करते। और इनको बहुत अच्छा लगा कि मैं इतना सीरियस हुई हूँ जिम को लेके, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा जिम पसंद है। अगर इसकी डाइट इसने फॉलो की
तो सीधी सी बात है मेरी अपने आप हो जाएगी डाइट फॉलो। इसलिए क्योंकि मैं डाइट में रहता हूँ, इसको कुछ चप्पड़ चप्पड़ कुछ भी खाना है उल्टा सीधा बाहर से लाओ, अपने सामने कोई खाएगा तो सीधी सी बात है अपने को भी खाने में आएगा ना। हाँ, इसलिए अब खाने में बनी है दाल बाटी और अपन है डाइट पे, तो अब क्या करें, खाओ दाल बाटी। अब वो भी डाइट पे तो बने घर में ब्राउन राइस। गाइस मैं आपके साथ, सबसे मेन बात मैं आप लोगों के साथ ना डाइट से रिलेटेड भी रेसिपी शेयर करने की कोशिश करूंगी जितना मुझे आता है, वैसे मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट आज मैंने ब्राउन राइस बहुत ही टेस्टी बनाए थे सारे। ब्राउन राइस विथ वेजिटेबल आपको बहुत अच्छे, तो विथ वेजिटेबल्स आप लोग घर पे ये डाइट भी बना सकते हो, तो मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग मुझे बताना आप लोगों को रेसिपी अगर चाहिए और मैं डाइट से रिलेटेड आगे वीडियो बनाऊं, व्लॉग्स बनाऊं, और आई मीन स्लिम होने के लिए भी। या मैं ओटीजी बहुत कॉस्टली खरीद के लाया था बट अब 3 साल बाद उसका यूज हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है, नहीं तो जब से ऐसे ही रखा हुआ था। यू आर राइट गाइस, मतलब 3 साल हो गए मैंने ओटीजी का यूज नहीं किया है, शायद सिर्फ एक बार उसमें बस खाली बाटी सेकी थी, बाटी नहीं, मैंने कुछ चीजें सिर्फ गरम करी होगी उसके अंदर, बाकी ओटीजी का यूज नहीं हुआ था, बाकी अब ओटीजी का यूज हो रहा है क्योंकि मैंने अब आज पिज्जा बनाने की भी कोशिश करी, मेरे लिए नहीं रीहू के लिए, और आज मैंने फाइनली पिज्जा बना लिया, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था, और फिर ऐसे ही मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे पनीर टिक्का, पनीर टिक्का कल मैं ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे दिवाली पर गिफ्ट दिया था, ओटीजी लाए थे और क्या लाए थे, मिक्सी थी, वैक्यूम क्लीनर था, और ये सारी चीजें उन्होंने मुझे दिवाली पर गिफ्ट किया था जो कि मैंने अब इसको यूज में लिया है, और वो भी था, वो ऐसे लाइट चली जाती तो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइट चली जाती तो लगाते हैं, अरे गैस दिया, नहीं मैं बता रही हूँ ना, माइक्रोवेव, हाँ इंडक्शन गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ इतना ज्यादा है ना, तो कभी भी उठपटांग कुछ बोल देते हो आप लोग, चलता है बट सो गाइज ठीक है, मिलते हैं हम लोग, आपको ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, और ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन, बाय बाय, टिंग टिंग टिंग, शुभ रात्रि, शब्बक है, गुड नाइट गाइस, यस।